effects of information on innovator, कैसे जो flow है information का वो impact करता है innovator को in making his decision. So when there is a positive evaluation of the information from the sources, it will increase the innovator's enthusiasm. उसने startup के बारे में information, leading customer के बारे में के opinions और expert के opinion ये उसको मिल रहे हैं, ये उसको information पहुंच रही है और अगर तो ये information positive है. लेकिन अदरवाइज भी हो सकती है कि जिसने जो रेफरेंस कस्टमर है उसने कहा मैंने इसको इस्तेमाल तो किया है लेकिन अभी कोई टेक्नोलॉजी जो है वो इतनी मैच्योर हुई लगती नहीं है मुझे. ठीक है, जो लीडिंग एक्सपर्ट है वो भी उसकी भी कोई कंफ्यूज सी स्टेटमेंट है इसके बारे में. तो और आपको सर्विस जो है उसके बारे में भी इंश्योर नहीं हो रहा कि मुझे आफ्टर सेल सर्विस मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, मिलेंगी तो कहाँ से मिलेंगी. तो ये सारी चीज़ें नेगेटिव इम्पैक्ट करेंगी इनोवेटर के डिसीजन मेकिंग को, क्योंकि इनोवेटर को एंथुजियाज़म तो ऑलरेडी है, वो टेक्नोलॉजी एंथुजियास्ट तो है, वो ट्राई करना चाहता है, तो काफ़ी हद तक तो उसकी ओपिनियन ऑलरेडी बनी हुई थी. लेकिन अगर टोटल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन नेगेटिव है तो वो उसके एंथुजियाज़म को कम कर देंगे. लेकिन इफ़ इट इज़ अदर वे अराउंड, यानी उसकी जो ये जो इन्फॉर्मेशन उसको मिल रही है उसकी वो उसकी स्ट्रीम जो है वो पॉजिटिव है, तो उसका एंथुजियाज़म जो होगा वो मज़ीद बढ़ जाएगा टू अडॉप्ट दैट पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी. तो दिस रिजल्ट्स अ पॉजिटिव एवेल्यूएशन ऑफ द स्टार्टअप्स न्यू टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट एप्लीकेशन. तो इस सूरत में वो मुस्बत तरीके से देखेगा कि स्टार्टअप को भी और जो एप्लीकेशन वो बेचने जा रहे हैं उसको भी. देन अफोर्डेंस पॉजिटिवली मॉडरेट द रिलेशनशिप बिटवीन इनोवेटर्स एंथुजियाज़म एंड द एवेल्यूएशन of innovation related characteristic. कि आपकी माइक्रो लेवल पे जो इंडस्ट्री है उसकी जो माइक्रो इंडिपेंडेंस है वो जो ऑर्गेनाइजेशनल इंडिपेंडेंस है टू अडॉप्ट द टेक्नोलॉजी और जो उसके सर्कमस्टांसेस हैं जो कि इस पर्टिकुलर नई एप्लीकेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, दैट्स व्हाट द अफोर्डेंस इज. तो अगर तो एनवायरनमेंट ऐसा है और वो आपकी जो कंडीशंस हैं वो उसके अंदर आप फ्रीली ये डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं कि आप नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर लें, तो फिर ये सारी जो पॉजिटिव एवेल्यूएशन है इसका इसके ऊपर अमल दखल करना उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए वो बड़ा सारा आसान हो जाता है. लेकिन अगर अफोर्डेंस नहीं है तो फिर आपका एंथुजियाज़म भले हो तो जो चांसेस टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन दे गो डाउन. सो द मोर द अफोर्डेंसेस द मोर विल बी इनोवेटर्स एंथुजियाज़म. अगर अफोर्डेंस ज़्यादा है तो एंथुजियाज़म भी बढ़ जाता है, तो और फिर वो एंथुजियाज़म इम्पैक्ट करता है टेक्नोलॉजी अडॉप्शन की तरफ. अफोर्डेंस अफेक्ट्स द एवेल्यूएशन ऑफ द अडॉप्शन करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द एप्लीकेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड दस लीड टू अडॉप्शन. तो अगर हमारी जो इंफॉर्मेशन सोर्सेज हैं वहाँ से जो एवेल्यूएशन है वो पॉजिटिव आ रही है, एंथुजियाज़म भी अपनी जगह पे मौजूद है और वो भी पॉजिटिवली इंक्लाइंड है फॉर द अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, तो देन दिस अफोर्डेंस प्ले ए की रोल एंड इट वर्क्स एज एन एजेंट टू क्विकली अडॉप्ट द न्यू टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन बिकॉज you find the independence and in your decision making
and availability the of required infrastructure to adopt that new technology. Lekin agar ye affordance nahi ho to bhale enthusiasm bhi ho to uski technology ke adoption ke chances kam ho jate hain. So enthusiasm as well as affordance, they play a vital role in between the information sources and various stages of adaptation.